नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये अभी तक मैंने बहुत सारा करंट अफेयर दिया था, करीबन 7 घंटे का एक वीडियो दिया था और प्लस 5 घंटे की जो मैं अलग सीरीज चला रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन ये वाले जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, कम से कम इसको मिस मत कर देना। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर है और ये वन लाइनर है। ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है क्योंकि वो इंग्लिश में था, हिंदी में लोगों को बड़ी समस्या थी इसलिए हिंदी में रहा ये पूरा वन लाइनर। पूरा ये हिंदी में वन लाइनर है, आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये वैसे तो मेरे पेड ग्रुप के लिए है, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अक्टूबर 2017 से लेके पूरी दिसंबर के 2018 तक की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरा यूपीपीसीएस जब तक 2018 नहीं होगा, मतलब तब तक के लिए है वो ग्रुप। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही आराम से बताऊंगा इस वीडियो को, बहुत ही प्यार से आराम से समझ लेना, ठीक है। ये बच्चा वीडियो नहीं है, ये पापा वीडियो नहीं है, ये बीच का वीडियो है ये, ठीक है। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट 2017 की, ये हुई थी इंडिया और मंगोलिया के बीच में। तो ये जो नोमैडिक एलिमेंट है, ये एलिफेंट है, ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिजोरम में हुई थी। दूसरी एक्सरसाइज है ब्रिज 4, ये इंडिया और जो ओमान है, इंडिया और ओमान की एयरफोर्स के बीच में ज्वाइंट आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहाँ पे हुई थी? जामनगर में हुई थी। जो इम्पोर्टेंट बात है बस एग्जाम के लिए वही लिखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रबल दोस्तिक, ये पूछा जा सकता है कि ये किसके और किसके बीच में होती है, इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है। तो ये होती है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? हिमाचल के बकरों में। इंद्र जो एक्सरसाइज है वो आपकी इंडिया और रशिया के बीच में होती है, ठीक है। और ये अभी इस बार कहाँ हुई थी? व्लादिवोस्तोक जो है रसिया में। फिर अभ्यास पांडा कंगारू, ये किसके बीच में हुई है? ये चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया की कम ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर नेक्स्ट है इसमें डायनामिक मोनार्क, ये अभ्यास किसके द्वारा हुआ है? नाटो ने किया है, ये पूर्व भूमध्य सागर में हुआ है। ये 9 जो नाटो के सहयोगी देश हैं इसमें, ये हैं कनाडा, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्पेन, पोलैंड, टर्की, यूके, यूएसए, ठीक है। फिर उसके बाद सिम्बेक्स जो है आपकी एक्सरसाइज, ये किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। और अभी कहाँ हुई थी? साउथ चाइना सी में हुई थी, दक्षिण चीन सागर में। ऑसिंडेक्स, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी के बीच की एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये वॉशिंगटन अमेरिका में हुआ था। सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, हर बार 12वीं हुई थी इस बार, और ये कहाँ पे हुई थी? आर्मी बैंड स्कूल, ये साल झांडी नेपाल में। फिर सिलेनेक्स जो 2017 की एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ये नेवी की ज्वाइंट मिलिट्री ज्वाइंट नेवी एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। ब्लू फ्लैग, ये आपकी हुई थी 2 से 16 नवंबर तक, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस, पोलैंड, ठीक है, अमेरिका और भारत। और ये कहाँ पे हुई थी? ये आपका उवड़ा एयरफोर्स बेस में हुई थी, इसराइल में जो की है, ठीक है। देखिए पीडीएफ आपको यही मिलेगी, पीडीएफ के लिए आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है इस पे कर सकते हैं कांटेक्ट, और इस पे सिर्फ मैसेज ही करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, और पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ए आरओ से पहले अगर आप ज्वाइन करेंगे तो भी फायदा होगा, क्योंकि पूरी करंट अफेयर, यूपी की करंट अफेयर, हिंदी इंग्लिश सब में मिल जाएगी, सब कुछ बहुत मटेरियल है उसमें, अक्टूबर से लेके अक्टूबर 2017 से लेके दिसंबर 2018 तक। नेक्स्ट इसमें करते हैं ये जो फ्लैग 4 है ये एक्सरसाइज यूएस और यूके, फ्रांस और यूएई के बीच में हुई थी, अबू धाबी यूएई में। संप्रति एक्सरसाइज हुई थी भारत और बांग्लादेश के बीच में, मिजोरम में हुई थी। इम्बैक्स करके एक एक्सरसाइज है, ये 20 से 25 नवंबर तक हुई थी, इंडिया और म्यांमार के बीच में हुई थी, इंडिया और म्यांमार के बीच में मेघालय में हुई थी ये, ठीक है। फिर DANX 2017, ये अंडमान निकोबार में हुई थी, और ये अंडमान निकोबार में मतलब हुई थी DANX, ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए थी। सागर कवच, ये कहाँ पे हुई थी? गोवा में हुई थी, ठीक है। इसको काफ़ी जैसे ये भारतीय तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड, फिर प्लस इंडियन नेवी ने, गोवा पुलिस ने, सब ने मिलकर किया था। वज्र पहाड़, ये हुई थी भारत और अमेरिका के बीच में, सिएटल अमेरिका में हुई थी। विन बैग्स अगर आप देखें, ये हुई थी आपकी इंडिया और वियतनाम के बीच में, VINBAX इसका है स्पेलिंग, ठीक है। इंडिया म्यांमार के बीच में बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज है विन बैग्स। तो विन बैग्स जो है ये पहली बार हुई है इंडिया और ये वियतनाम के बीच में, और ये हुई कहाँ पे थी? जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो जो लोग को MPPCS देना है वो याद रखिएगा, ये पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और वियतनाम के बीच में, ठीक है।
फिर एक्वेरियन, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और मालदीव के बीच में, और अभी लेटेस्ट कहाँ पे हुई थी, बेलगावी कर्नाटक में। फिर देखिए जो ये आया था आपका साइक्लोन ओखी, उसको पहली बात तो नाम किसने दिया था, बांग्लादेश ने दिया था। उसके लिए दो ऑपरेशन चलाए गए थे, एक ऑपरेशन सिनर्जी था जो कि कंबाइंड ऑपरेशन था, रेस्क्यू मिशन था वो नेवी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के द्वारा, और एक ऑपरेशन सहायम था जो कि इंडियन नेवी ने चलाया था समुद्र में जो भी तलाशी और बचाव अभियान के दौरान ही चलाया गया था। तो ऑपरेशन सहायम और ऑपरेशन सिनर्जी दोनों ही ओखी जो चक्रवात था साइक्लोन उससे रिलेटेड है, ये जरूर याद रखिएगा। और ओखी नाम किसने दिया था, बांग्लादेश ने। फिर अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुई थी आपकी इंडिया और ये रिटेल की सेनाओं के बीच में हुई थी, उसके बाद राजस्थान में हुई थी ये, ठीक है। देखिए अजय वॉरियर जो एक्सरसाइज है इंडिया यूके के बीच में हुई थी, ठीक है, इंडिया यूके की एक्सरसाइज थी ये, और ये राजस्थान में ये की गई थी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ठीक है, तो राजस्थान के बीकानेर में हुई थी अजय वॉरियर, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए ये जो फ्री के वीडियोस होते हैं मेरे, जितने भी फ्री की पीडीएफ्स होते हैं वो सब आपको टेलीग्राम में यहाँ पे मिल जाएंगे, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो के भी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है यूट्यूब, तो आप यहाँ पे रहेंगे तो आपको सब पता रहेगा, तो ये जरूर आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो ये अजय वॉरियर इंडिया और ब्रिटेन के बीच में है ये, सॉरी। फिर ये हमेशा विजयी अभ्यास ये हुई थी इंडियन सेना की है ये, दक्षिणी कमान द्वारा राजस्थान में हुई थी। मित्र शक्ति ये आपकी हुई थी इंडिया और श्रीलंका का, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, पुणे में हुआ था ये। इंडिया का प्रतिनिधित्व किसने किया था, राजपूताना राइफल रेजिमेंट ने, और श्रीलंका का सिंह रेजिमेंट ने। उसके बाद ये सागर कवच जो है ये आपकी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा की गई थी, ठीक है, और प्लस और भी जैसे ये इंडियन नेवी भी शामिल थी, समुद्री पुलिस बल भी, कोस्ट गार्ड भी शामिल था इसमें, सभी ये शामिल थे सागर कवच, ठीक है। उसके बाद नसीम अल बहर ये हुई थी इंडिया और ओमान के बीच में, और ये आपकी कहाँ हुई थी, सैद बिन सुल्तान नेवल बेस पे हुई थी। गरुड़ शक्ति जो हुई थी ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है, बाइडुंग इंडोनेशिया में हुई थी ये। कोबरा गोल्ड ये मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज हुई थी, इसमें अमेरिका, थाईलैंड, सिंगापुर और जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया हुए थे, ठीक है, थाईलैंड में हुई थी। लामित्ती युद्ध एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और सेशल्स के बीच में, सेशल्स में हुई थी। मैत्री इंडिया और थाईलैंड का ये संयुक्त अभ्यास है ये। चांबा ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मालाबार ये इंडिया और ये एक्चुअली पहले यूएस की थी लेकिन फिर जापान को भी इंक्लूड कर लिया गया था, तो ये बंगाल की बे ऑफ बंगाल में हुई थी ये। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन वर्ष 2017 में कई सारे जीआई टैग दिए गए हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, और जीआई टैग का मतलब ये कि एक स्पेशल एक एक जगह की वो स्पेशलिटी होती है, वो वहीं का मतलब ओरिजिन होता है उसका माना जाता है ये। और ये देता कौन है, ये देता है WTO। अब कौन कौन से दिए गए ये आपसे पूछे जा सकते हैं ये, क्योंकि वहाँ से आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। तो जैसे ये एक देखिए पिक देख लीजिए, पिक से सब क्लियर हो जाएगा। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने 2017-18 में ये दिए गए हैं ये, ठीक है, और ये है तिरुपति लड्डू, ये भी जीआई टैग मिला है। दार्जिलिंग टी है, और प्लस तुलापंजी राइस ये वेस्ट बंगाल का है, इसको मिला है। फिर ये बैनगनापल्ली ये मैंगो हैं जो आंध्र प्रदेश के, इनको मिला है। और ये पांच और दिए गए हैं, पोचमपल्ली काट तेलंगाना का, गोविंदो भोग राइस है ये मतलब चावल है वेस्ट बंगाल का, दुर्गी स्टोन है, ठीक है, और इतिको पट्टा ये टॉयज जो है ये आंध्र प्रदेश के हैं ये। तो ये हैं इसमें आप समझ सकते हैं, ये एक मतलब प्राइमरली एग्रीकल्चर नेचुरल और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है वो उसी जगह की मतलब आइडेंटिटी होती है, ये हिंदी में वही सब चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे, एक बार आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, आप पॉज करके देख लीजिए। देखिए ये इटिको परिया ये जो टॉयज है ये आंध्र प्रदेश का है, बेंगलुरु ये रसगुल्ला है ये आपका वेस्ट बंगाल का, इसको मिला है। ममल्लापुरम स्टोन स्क्रिप्चर जो है तमिलनाडु का है, वेस्ट बंगाल का गोविंदो भोग है जो राइस है चावल है यानी कि, और केरला का है नीलम्बू टीक। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस हो रहा है शायद, हाँ इसको ऐसे कर लेते हैं। इंडिया का देखिए ये दो चीज़ों, ये जो दो न्यूज़ हैं बड़ा इसमें कन्फ्यूज़न है। पहली बात तो ये कि देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे है, ये है गांधीनगर जयपुर में, ठीक है, इंडिया का पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन। लेकिन एक दो चीज़ें हैं इसमें डिफरेंट कि पहली बात तो जो जयपुर के गांधीनगर में है वो नॉन सबर्बन है, ठीक है, वो नॉन सबर्बन की कैटेगरी में आता है, और जो माटुंगा का है, ये दो चीज़ इसीलिए मैंने एक साथ लिखी हैं कि इंडिया का जो पहला ऑल वुमेन रेलवे स्टेशन है जो कि लिम्का बुक लिम्का रिकॉर्ड में मतलब जिसकी एंट्री हुई है वो कौन सा है, वो सबर्ब कैटेगरी में है।
तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो जयपुर का है गांधीनगर, वो क्या है, इंडिया का पहला ऑल वुमेन है नॉन सबर्बन स्टेशन। तो दोनों चीज़ें अलग अलग याद रखिएगा। तो वर्ल्ड का पहला लेडीज स्पेशल सबर्बन ट्रेन कहाँ पे है ये अच्छा, ये तीसरी न्यूज़ है। तो ये इसीलिए तीनों एक साथ मैंने कंबाइन कर दी। कि अभी ये भी पूछा सकता है कि अभी जो लेटेस्ट ये लेडीज स्पेशल सबर्बन ट्रेन थी, उसने कितने साल पूरे किए? वो 25 साल पूरे किए। और वो कौन सी रेलवे में आती है? वो आती है वेस्टर्न रेलवे में। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इसमें हो गए। इंडिया का पहला लेडीज स्पेशल कहाँ पे है? वो है गांधीनगर जयपुर में, लेकिन वो सबर्ब कैट वो सॉरी वो नॉन सबर्बन कैटेगरी में है, ठीक है। लेकिन जो मुंबई का माटुंगा है, ये है सबर्ब कैटेगरी में, और इसकी लिम्का में एंट्री हुई, लिम्का बुक ऑफ जो रिकॉर्ड है उसमें एंट्री हुई है। ये तीनों हो गए। फिर देखिए, अभी दिसंबर में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को एनसीआर में शामिल किया गया है, एक जिले को, वो है शामली। अब अगर आप देखें तो ये पूरी एनसीआर की लिस्ट है, ठीक है। एनसीआर में देखिए तो यूपी के कितने जिले हैं, ये हो गए 4 और 4 8, 8 जिले हो गए जो कि एनसीआर में है। कौन कौन से? मेरठ है हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। शामली 8वां जिला था, ठीक है। तो 8 ये हो गए। और आपके जो हरियाणा में है कितने? 6 और 2 8 और 2 12 2 14 16, 16 हो गए हरियाणा के। तो 16 और 8 24, और 2 हो गए राजस्थान के, अलवर और भरतपुर, और प्लस एनसीटी, ये पूरा मिला के हो गया आपका ये एनसीआर। तो एनसीआर में कौन कौन से आपके स्टेट हैं? दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, और अभी लेटेस्ट कौन सा है? शामली जुड़ा है, यूपी के 8 हो गए हैं, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। फिर देखिए, 37वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था, कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से बता रहा हूँ। भागीदार देश कौन सा था इसमें? वियतनाम, फोकस कंट्री था किर्गिस्तान, और आपका पार्टनरशिप स्टेट था झारखंड, फोकस स्टेट था हरियाणा और उत्तर प्रदेश। फिर ये है कि रेल मंत्रालय ने किस स्टेशन से देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत की है? कहाँ से की है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की, नई दिल्ली से सियालदह राजधानी तक। फिर देखिए, ये भारत ने पहले रूफ टॉप सोलर ये एक्चुअली ये क्या है, ये कारपोर्ट है ये, ठीक है, कारपोर्ट है ये। कारपोर्ट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे कार आप रख सके। तो वो इंडिया का पहला सोलर वाला कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? ये रोहिणी में, नई दिल्ली में, यूनिट 1 मॉल है, वहाँ पे किया है टाटा पावर कंपनी ने, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट जो इंटीग्रेटेड सोलर कंपनी है ये, सॉरी ये टाटा पावर है, जो इसने किया है, क्या रूफ टॉप प्रोजेक्ट लगाया है, सोलर कारपोर्ट लगाया है दिल्ली के रोहिणी के यूनिट 1 मॉल में, ठीक है। ये याद हो गया इसमें। अब इसमें देखिए, पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर ऐप, ये कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में। 19वीं ऑर्गेनिक वर्ल्ड कांग्रेस, ये कहाँ पे हुई है? ग्रेटर नोएडा में हुई, 9 से 11 नवंबर। और इसका मेन सब्जेक्ट क्या था? एक जैविक भारत से जैविक विश्व की तरफ। फिर है आपका मानसिक स्वास्थ्य पर, 21वां विश्व कांग्रेस का आयोजन कब, वो कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और इसका मेन थीम क्या था? मानसिक स्वास्थ्य के लिए भागीदारी, पहली बार ये भारत में आयोजन हुआ था मानसिक स्वास्थ्य पर, 21st विश्व कांग्रेस, ठीक है। वैसे ये इंग्लिश में मैं कवर कर चुका हूँ, एक बार फिर भी हिंदी में बता दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी के लिए बड़ी दिक्कत रहती है लोगों को। भारत की पहली अखिल आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। मतलब इंडिया का देखिए, ये पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? आयुष मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, और ये नई दिल्ली में खुला है। तो AIIA, जैसे एम्स होता है वैसे ही अब ये आयुर्वेदा वाला संस्थान खुल रहा है। पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, ठीक है। 17 अक्टूबर को ये खुला था नई दिल्ली में। तो इसकी डेट जरूर याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन में डेट भी पूछ सकते हैं। भारत का ये इंडिया वाटर वीक कब मनाया गया था? 10 से 14 अक्टूबर तक मनाया गया था नई दिल्ली में। थीम क्या थी? समावेशी वृद्धि के लिए जल एवं ऊर्जा। फिर बंधन तोड़ ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? बिहार है। मतलब बिहार में जो बाल विवाह होते हैं, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा समर्थित है ये। मेंटर इंडिया अभियान किसने चालू किया? ये नीति आयोग ने चालू किया है, ठीक है। नीति आयोग ने चालू किया है मेंटर इंडिया प्रोग्राम, और ये इसलिए किया गया है ताकि जो भी लीडर्स हैं, वो अगर वो इंगेज करना चाहें और स्टूडेंट को मेंटरिंग करना चाहें, तो वो आपके अटल टिंकरिंग लैब से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो छात्रों के मार्गदर्शन के लिए किया गया है मेंटर इंडिया। मेंटर इंडिया किसका प्रोग्राम है? नीति आयोग का। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में स्मारक का निर्णय कहाँ लिया गया है? कहाँ किया गया है? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। देश की पहली जल मेट्रो योजना कहाँ शुरू की गई है? केरल में।
देखिए, राइट टू प्राइवेसी वाला जो है अभी फंडामेंटल राइट आ गया है और इसको माना गया 21 आर्टिकल के अंडर में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला। मैं बता चुका हूँ कई बार, लखनऊ मेट्रो के लोगों की डिजाइन किसने की, पूजा यादव ने। अच्छा ये बताइए कि लखनऊ मेट्रो के साथ अब यूपी में कितनी मेट्रो हो गई, कितने स्टेट में, कितने सिटी में मेट्रो हो गई, उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी, जल्दी से बताइए। ऑपरेशन स्वर्ण का संबंध किससे है, राजधानी और शताब्दी में मतलब जो सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा बेटर करना। फिर देखिए एक ये खुला है नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये खुला है कहाँ पे, वाराणसी में, यानी कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, फिलीपींस में है ये, तो दोनों चीज़ याद रहेंगी। इंटरनेशनल हर्बल मेला 2017 वाला कहाँ पे हुआ है, भोपाल में। इको पर्यटन अनुभूति कार्यक्रम ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, कहाँ पे ये हुआ था, मतलब झारखंड में। यूनेस्को ने अभी भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, तो ये आप याद रखिएगा ज़रूर। दिसंबर 2017 में 6वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पे किया गया, गुवाहाटी असम में, ठीक है। फिर उसके बाद है पहली पेंशन अदालत का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी कहाँ पे, रांची स्मार्ट सिटी है। लखनऊ मेट्रो में जो पहला फेज था उसकी कितनी लंबाई थी, 8.5 किलोमीटर। देश की पहली सौर ऊर्जा पैनल युक्त डेमू ट्रेन ये कहाँ पे स्टार्ट की गई, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, ठीक है। देखिए यूनेस्को की हेरिटेज सिटी अभी इंडिया की पहली सिटी कौन सी बनी है, अहमदाबाद। भारत का पहला ग्रीन कॉरिडोर कहाँ से चालू हुआ है, ये रामेश्वरम से लेके मन्नादुरई। ये पहला इंडिया का, इंडियन रेलवे का ग्रीन कॉरिडोर 114 किलोमीटर लंबा है, ये मन्नामदुरई से लेकर रामेश्वरम तक चालू हुआ है तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितनी भी ट्रेन होंगी सब में बायो टॉयलेट लगा है, इसका ये मतलब हुआ। अभी लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने गंगा स्वच्छता अभियान में गंगा की किन चार सहायक नदियों को, मतलब ट्रिब्यूटरी रिवर्स को शामिल किया है, वो है हिंडोन, काली, रामगंगा और गोमती, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, पहली बार इनको शामिल किया गया है। भारत की पहली ब्रॉड गेज ईएमयू ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, चर्चगेट से विरार के बीच मुंबई में। देश के पहले राष्ट्रीय खेल सॉरी रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है, स्टार्ट की गई है गुजरात में। फिर देखिए रेलवे मंत्रालय ने ये अपना ये प्रण लिया है कि सभी स्टेशनों पर 100% एलईडी लाइट लगाएंगे 31 मार्च 2018 तक। फिर प्रधानमंत्री ने कहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया, नई दिल्ली में। फिर देखिए ये एक खोला गया है कॉमन फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। और ये कहाँ पे खोला गया है, पेरम्बलूर में, तमिलनाडु में। फिर ये किसानों हेतु एकल खिड़की सुविधा केंद्र खोलने वाला देश का पहला राज्य झारखंड है। फिर भारत सरकार के जो ऑपरेशन इंसानियत है उसका संबंध किससे है, रोहिंग्या जो आपके शरणार्थी थे उससे, ये जरूर याद रखिएगा। फिर अभी मध्य प्रदेश में ये बोला गया है कि आपके स्कूलों में जो अटेंडेंस होती है उसमें यस सर या यस मैडम की जगह जय हिंद बोलना है, बहुत ही शानदार कदम है ये, जय हिंद, इसी बात पे सब लोग बोलिए। शहीद ग्राम विकास योजना शुरू की गई झारखंड में। मिशन परिवार विकास योजना को शुरू किया गया 10 राज्यों में, ठीक है। यूपी में शिक्षा मित्रों का था वो 10,000 रुपये देना चालू कर दिया। गौरी लंकेश किस भाषा की पत्रिका लिखते निकालते थे, ये कन्नड़ की। फिर देश की पहली हाइपर लूप ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी, विजयवाड़ा से लेकर अमरावती के बीच में, आंध्र प्रदेश में। उत्तराखंड का स्वच्छता ब्रांड मेजर बनाया गया है अक्षय कुमार को। फिर देखिए अभी विस्टा, ये जो है आपका विस्टा डोम वाली न्यूज़ आई थी, इसको पूरा देख लेते हैं पहले, ये मैंने इसीलिए पीआईबी की न्यूज़ उठा के रखी है। देखिए पहली बात तो ये है कि जो विस्टा डोम है ये आपकी जो ट्रेन कोच हैं ये, इनको फंडिंग कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। पहली विस्टा डोम कोच लगाया गया था आपका विशाखापत्तनम अराकू वैली जो रूट है उसमें, मेनली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये है। और अभी दूसरी जो विस्टा डोम हेड कोच है इसको फंड किया है वही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है। कहाँ से ये मतलब किस में चलाई जाएगी, जन शताब्दी एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाएगी, मुंबई गोवा रूट में। तो पहली रूट कौन सी है, विशाखापत्तनम अराकू, और दूसरी रूट हो गई मुंबई गोवा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। जीरो हंगर जो प्रोग्राम है इंडिया में 3 जगह चालू हुआ है, गोरखपुर में, कोरापुट उड़ीसा में, थाने में, थाने मतलब महाराष्ट्र में। परिवार कल्याण समिति गठित करने वाला पहला राज्य त्रिपुरा। प्रोजेक्ट इनसाइट योजना कहाँ चालू की गई, वित्त मंत्रालय। नौका पर प्रयोगशाला किस नदी पर शुरू हुई, ब्रह्मपुत्र। इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है अब,
दीनदयाल पोर्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। देखिए सातवीं REECCA यानी कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? असगाबाद तुर्कमेनिस्तान में, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान, और इसकी थीम क्या थी? डीपनिंग कनेक्टिविटी एंड एक्सपेंडिंग ट्रेड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रूविंग सिनर्जी। ठीक है, देश में पहली बार, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक्चुअली बड़ी हर जगह जगह अलग लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ ये इसमें क्या है, मतलब मेन चीज़ ये गुजरात नहीं है एक्चुअली। अब पहली बात तो ये कि EVM और प्लस VVPAT, VVPAT का मतलब क्या होता है कि आपने जब वोट दिया तो एक पर्ची निकल के आती है, ये कन्फर्म हो जाता है कि आपने वोट जिसको दिया है उसी को गया है, मतलब आप देख सकते हैं, क्योंकि EVM में बहुत बार धांधली के आरोप लगते हैं ऐसे। वो एक्चुअली उसमें ये है कि VVPAT अगर रहेगा तो आप वोटर वेरीफाई कर लेता है कि मतलब जिस पे उसने वोट दिया उसी पे गया है, क्योंकि उस स्लिप निकल आती है लेकिन उस स्लिप वहीं पर रह जाती है। अब ये है कि इंडिया में पहली बार EVM प्लस VVPAT ये कहाँ पे यूज़ हुआ था? ये गोवा में यूज़ हुआ था, जरूरी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि गुजरात ऐसा बड़ा स्टेट है जहाँ पे इसको यूज़ किया है, इसी चक्कर में बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, लग रहा है ऐसा कि देश में पहली बार EVM प्लस VVPAT का यूज़ हुआ है, ये नहीं है, पहली बार गोवा में हुआ था फिर गुजरात में हुआ। गुजरात ऐसा सेकंड स्टेट है, ठीक है ये याद रखिएगा। लिखा है कि गुजरात इज द फर्स्ट बिग स्टेट, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पहला वो स्टेट हो गया। एक बात ये बताइए जल्दी से कि EVM सबसे पहले यहाँ कहाँ पे यूज़ की गई थी, जल्दी से बताइए कमेंट करके। इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे? वायनाड केरल में स्टार्ट हुआ है, कंट्री का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, और अगर आप देखें तो अभी लेटेस्ट न्यूज है 2018 की, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क जिसको बोला गया शक्ति स्थल, ये कहाँ पे चालू किया गया? पावगढ़ तालुक में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में चालू किया गया पावगढ़, 2000 MW का है ये। एक अभी और न्यूज़ आएगी कि इंडिया का जो सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो कहाँ पे है, वो रीवा में है, MP में। तो तीनों चीज़ याद रहेंगी, फ्लोटिंग वाला कहाँ पे है, वायनाड केरल में, और जो सोलर पार्क है दुनिया का वो सबसे बड़ा, वो शक्ति स्थल बोल रहे हैं, ये कर्नाटक के पावगढ़ तालुक में है ये। ठीक है, और सबसे बड़ा जो इंडिया का सोलर पार्क है वो कहाँ है? MP के रीवा में। अम्ब्रेला योजना ये किससे रिलेटेड है? पुलिस बलों का आधुनिकीकरण। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 मनाया गया हरियाणा में। ये जो दयाल सिंह इवनिंग कॉलेजेस का नाम बदल कर रख दिया गया, वंदे मातरम महाविद्यालय। हॉर्नबिल महोत्सव हर बार न्यूजीलैंड में, सॉरी नागालैंड में ही होता है। इंडिया और ब्राजील के बीच में JB क्वेटल नस्ल की गाय के विकसित करने के लिए समझौता हुआ है। ई कचरे के लिए स्टार्ट करने वाला पहला जो राज्य है ये केरल है ये। युवा कौशल विकास चालू करने वाला राज्य पुलिस का नाम है दिल्ली पुलिस। भारत सरकार ने जो ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इनको बोला है कि चीनी भाषा जो मंदरिन है ये मदारी नहीं है, मैंडरिन एक्चुअली वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो चाइनीज़ की मैंडरिन ही है, उसको ITBP को बोला है कि सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वो चाइनीज़ क्या बात करते हैं उन सबको इंटरप्रेट करने के लिए ये सब चीज़ जरूरी है। मुंबई में पहले विदेश भवन का उद्घाटन किया गया, तो पहला विदेश भवन कहाँ पे किया गया? मुंबई में, ऐसे क्वेश्चन आएगा। भारत का पहला माइक्रो जंगल कहाँ बनाया गया? रायपुर में। देखिए टू बिग टू फेल, इसका मतलब है कि इनको फेल होने दिया ही नहीं जा सकता है, वरना पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना पैसा लगा हुआ है लोगों का, इतनी सेविंग और ये सब चीज़ लगी हुई है कि लोगों का फिर बैंकिंग सिस्टम से विश्वास ही उठ जाएगा, इसीलिए टू बिग टू फेल है ये। बात समझ में आ रही है कि मतलब इनको नहीं फेल होने दिया जा सकता है, चाहे भले ही गवर्नमेंट घाटे में आ जाए। तो उसमें अभी तक थी SBI और आपकी ICICI, अब आ गई है HDFC भी। केरल में शराब पीने की उम्र बढ़ा के 21 से 23 कर दी गई है, तो 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा जो केरल में है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई वहाँ के लोगों के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है गुड़गांव में। अच्छा, इसकी अभी पहली जो इसकी फॉर्मल मीटिंग हुई थी जहाँ पे पूरी ट्रीटी व्यूटी बेस करे गए, वो कहाँ पे हुई थी जल्दी से बताइए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सबसे पहली बार कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किया गया था वो जरूर याद रखिएगा, बताइए कमेंट करके। और ये जो है ये कितने देशों का समूह है, यहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जहाँ पे जितने भी देश हैं वो, उसमें साल में 300 से ज़्यादा दिन सूरज रहता, मतलब सनलाइट रहती है, इसीलिए इनको किया गया है। देखिए जैसे पोलियो को इलिमिनेट किया गया, वैसे ही एक अब स्टार्ट किया जाएगा TB वाला, TB। अच्छा ये बताइए इंडिया ने कब तक पूरी तरह से TB को ख़त्म करने का ये प्रण लिया है? अभी लेटेस्ट न्यूज़ है। देखिए ऐसा है, दो तीन क्वेश्चन तो मैं भी बीच में पूछूंगा, आप बोलोगे कि लो यार सब तो हम ही से पूछ लेते हो, तुमको क्या आता है यार, तुम यार क्या फालतू बात कर रहे हो क्या? तो यार एक आध चीज़ें बता दिया करो आप लोग भी। मिलेनियर्स फॉर्मर स्कूल,
जागरूकता अभियान कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश में। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये कहाँ पे किया गया? हैदराबाद में। ईस्ट इंडिया का पहला सीएनजी स्टेशन है भुवनेश्वर। देश का भविष्य है जिसका अपना ब्रांड, सॉरी देश का ये जो पहला ये मतलब ये है आपका सिटी, देश का ऐसा कौन सा शहर है जिसका अपना ब्रांड पहचान और लोगो है? वो है आपका बेंगलुरु। नारी पोर्टल का संबंध महिला सशक्तिकरण से ही होगा। इंडिया का दूसरा बड़ा रूफटॉप सूर्य संयंत्र, मतलब कि रूफटॉप सोलर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में खोला गया है। पहला वाला कहाँ पे था? सबसे बड़ा अमृतसर में था, दूसरा वाला यूपी में खोला गया। यूपी के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में एम्स की स्थापना को मंजूरी मिल गई। बिलासपुर में एम्स अभी तक कितने स्टेट में हो चुका है जल्दी से बताइए। खेलो इंडिया का मैंने बताया था आपको, सब कुछ बता चुका हूँ। स्पोर्ट वाली करंट अफेयर में प्रतीक किसने तैयार किया था? ओ गिलवी इंडिया ने। इसमें इसकी थीम क्या थी जल्दी से बताइए, और प्लस इसमें सबसे इसका जो मैस्कॉट था वो क्या था? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष, ठीक है, प्रत्युष हो गया है अब इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 6.8 पीक जो पावर है, मतलब 6.8 पेटा फ्लॉप है। एक पेटा फ्लॉप कितना होता है? 1 बिलियन मिलियन बिलियन होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, बहुत ही ज़्यादा होता है हम लोग की सोच से भी बहुत ज़्यादा। और जो प्रत्युष है ये फोर्थ लेटेस्ट कंप्यूटर है, फोर्थ फास्टेस्ट कंप्यूटर है वेदर वाले में, वेदर और क्लाइमेट रिसर्च में, ठीक है, पूरी दुनिया में वैसे नहीं, ओवरऑल में नहीं, ओवरऑल में तो हम टॉप 30 में पहुंचे हैं अभी। टॉप 500 में सबसे जो फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन है? वो है चाइना का, सनवे तहयात करके नाम है उसका। सिक्किम का ब्रांड अम्बेसडर बनाया गया यार रहमान को। पहला प्रवासी सांसद सम्मेलन का शुभारंभ हुआ नई दिल्ली में। वह राज्य जिसने पेड़ों के साथ मानवीय रिश्तों को मंजूरी दी वह है सिक्किम। इंडिया के पहले स्पोर्ट्स चैनल का नाम है स्पोर्ट्स फ्लैशेस। भारत की जो प्रधानमंत्री की वेबसाइट पीएम इंडिया कितनी भाषा में? 13 में है। डोर स्टेप डिलीवरी योजना कहाँ से चालू की गई? नई दिल्ली से। अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला राज्य है महाराष्ट्र में, ठीक है। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर राजस्थान में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल चालू किया गया है कहाँ? हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा ने ये मतलब ये ऐसा पहला बन गया है स्टेट जिसने कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल स्टार्ट किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हरियाणा में एक्चुअली सेक्स रेशियो भी काफ़ी कम है, तो इसलिए काफ़ी सारे प्रयास होते रहते हैं। कूडियट्टम में केरला का यह है नाटक, नाट कला है। हाई विंड ये क्या है? विश्व का पहला तैरता पवन फार्म, यानी कि विंड फार्म है ये, जो कि स्कॉटलैंड में स्टार्ट किया गया है हाई विंड। भारत 20 क्या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है? 22 कंपनियां हैं यहाँ पे। चांटेक क्या है? ओरंगटन था, मतलब एक बंदर टाइप का था ये, साइन लैंग्वेज सीख लेता था, मर गया ये 39 साल में। परियोजना यश विद्या का क्या संबंध है, किससे संबंध है? सैनिकों के सशक्तिकरण से। प्रोजेक्ट ब्रेन वेव से रिलेटेड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्टार्ट है, ठीक है। कांदी यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा में हुई थी, और कांदी यात्रा नामक खिलौने का अनोखा वार्षिक मेला है। भारत महोत्सव ये 31 अगस्त से लेके 9 सितंबर तक किया गया ब्राज़ील में। अम्बुआची कहाँ है? ये असम में स्थित है, जो कामाख्या देवी मंदिर वहाँ पे हुआ। चमलियाल मेला ये जम्मू में लगा है ये, ठीक है। और नमामी बराक ये जो है ये असम में किया गया है। सीदी सैयद मस्जिद है अहमदाबाद में। कर्मा त्यौहार ये झारखंड में, इसमें कर्मों के जो डाली पेड़ की डाली की पूजा की जाती है। फिर भारत के पहले सरोगेसी बछड़े का नाम है विजय। नुआखाई जोहर किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव है ये 2017 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ है। मेरा हो चोकबा त्यौहार ये मणिपुर का है, देखिए ये मेरा हो चोंगबा करके होगा इंग्लिश में, मणिपुर का है ये। संगाई महोत्सव है आपका मणिपुर में मनाया जाता है हर बार। ये हिरण की एक प्रजाति जो संगाई है वो इंडिया में मणिपुर में केवल वो जो केबल लॉन्ग जो है वहीं पे पाई जाती है, और वो जो केबल लॉन्ग जो है ये इंडिया का, ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। काइमरिया ये ल्यूकेमिया की पहली जीन थेरेपी है। ये बथुकम्मा ये क्या है? तेलंगाना में केवल महिलाओं द्वारा ये मनाया जाने वाला त्यौहार है, और 9 दिन तक चलता है ये। जीवामृतम ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है ये। आदि परुकियो त्यौहार ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ब्रोकपा ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। CO205 क्या है? गन्ने की हाइब्रिड किस्म है ये, ठीक है। और आदि महोत्सव क्या है? ये इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। थीम क्या थी इसकी? आदिवासी संस्कृति योजना एवं वाणिज्य की भावना का एक उत्सव। UG19 गेहूं का रोग है ये। ब्लू व्हेल गेम के जो फाउंडर थे फिलिप ब्यूटिकिन, इनको अभी जेल भेज दिया गया 3 साल के लिए। फिर
केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, किससे, किस देश के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, ठीक है। उसके बाद जेलियो उत्सव मनाया जाता है स्पेन में। भारत के एक 13 साल के बच्चे ब्रिटेन, उनका जो आईक्यू टेस्ट किया गया उसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, वो है ध्रुव गर्ग, ठीक है। किस देश की सेना में ट्रांसजेंडर की नियुक्ति योजना पर प्रतिबंध लगाया, वो है US, ठीक है। फिर पॉलिटिको क्या है, ये अमेरिकी राजकीय पत्रकारिता कंपनी है ये। फिर देखिए इंडिया, सॉरी अमेरिका ने पाकिस्तान की बैन पे बैन लगाया, उसका नाम है हबीब बैंक, ठीक है। तियनजाओ 1 क्या है, चाइना का पहला कार्गो अंतरिक्ष यान है। तियानगोंडा 2 क्या है, चाइना की अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। 12th इंडिया जापान का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था गुजरात में हुआ था। डिजिटल पेमेंट ऐप तेज गूगल से स्टार्ट, गूगल की है ये। भारत को उच्च क्षमता वाला पहला रेल इंजन कहाँ से मिला है, फ्रांस से। फिर आपका है फॉलो द महात्मा अभियान, ये कहाँ से की गई, नीदरलैंड से। ज्ञान कुंज परियोजना कहाँ पे है, गुजरात में है। ट्रॉल क्या है, ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाली तकनीकी है, ये DRDO ने विकसित किया है, ठीक है। खुरम जो है आपकी मध्यम दूरी मिसाइल, ये किस देश की है, ईरान की है। इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी बंधन एक्सप्रेस चालू की गई, ये दूसरी वाली है ये ट्रेन, एक और चलती है, जल्दी से नाम बताइए उसका। फिर माउंट अगुंग ज्वालामुखी कहाँ पे चालू हुआ है, इंडोनेशिया में। फिर नमामि गंगे रोड शो ये कहाँ स्टार्ट किया गया, लंदन में, ठीक है। UN वैश्विक शरणार्थी समझौते से अलग होने की घोषणा की किसने, अमेरिका ने। ब्रिटेन की सबसे ऊंची चोट पर्वत चोटी है माउंट होप। संकल्प परियोजना के लिए सहायता ली जा रही है कहाँ, इसकी, वर्ल्ड बैंक की। विश्व का पहला 24/7 ग्लोबल सोशल न्यूज नेटवर्क का नाम है टिकटॉक, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कुछ हैं, एक बार पढ़ लीजिए आप यार, बोलते बोलते मुंह दर्द होने लगा है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। स्फूर्ति ऐप का संबंध है रेल मंत्रालय से, लेकिन आप पढ़ सब लीजिएगा, ठीक है। ये जो नासा का गोल्ड और आइकन मिशन है किससे संबंध है, आयन मंडल से, जो आयन आयन स्फेयर है, आयनो स्फेयर से, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है इसमें। और किस देश ने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए कर दिया है, चाइना को, वो है पाकिस्तान। देश के पहले बेबी ओलंपिक कहाँ पे होगा ये दुनिया का, वो बहरीन में होगा। पहला ट्रांसपेरेंट वॉक ये कहाँ पे है, चाइना में है ये। स्कूल में प्रवेश के लिए टीकाकरण अभियान करने वाला जो है राज्य है वो केरल। UIDAI ने जारी किया है नीले कलर का कार्ड, और ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। विश्व का सबसे ऊंचा एयर इक्विफायर कहाँ बनाया गया है, चाइना में। फिर वह देश जिसने अकेलापन दूर करने के लिए एक मंत्रालय का गठन किया है, वो है ब्रिटेन। मोबाइल ऐप 311 लॉन्च किया है MCD ने, ठीक है। फेक न्यूज़ के खिलाफ ये सुरक्षा इकाई का गठन किया है ब्रिटेन ने। पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेले का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। कुसुम योजना, सौर एनर्जी जो सोलर एनर्जी सॉरी सोलर ये एनर्जी जो इरिगेशन पंप से रिलेटेड है। भारत का सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया गया नेकनामपुर झील में। साड़ी पहनकर स्काई डाइविंग करके विश्व रिकॉर्ड बनाया शीतल रानी ने। दस्तक अभियान ये उत्तर प्रदेश द्वारा चालू किया गया इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए। ओमान का एक पोर्ट है डुकम करके, वहाँ पे भारत की सैन्य पहुँच कायम करने के लिए ओमान से स्वीकृति प्राप्त की गई है। सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाने का प्लांट स्थापित किया गया कनाडा में। विश्व का पहला देश जिसने क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया है, लीगलाइज किया है, मान्यता दी, वह है मार्शल आइलैंड। वह देश जिसमें पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया, वह है सऊदी अरब। गवर्नमेंट ने किस गवर्नमेंट ने अमा गांव अमा विकास स्कीम लॉन्च की, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, मतलब आवर विलेज आवर डेवलपमेंट। विधुर पेंशन योजना लागू की किसने, हरियाणा ने। राष्ट्रीय पोषण मिशन का आरंभ किया है झुंझुनू राजस्थान में। दुबई की राजकुमारी जिसने स्वतंत्रता का हवाला देते हुए अमेरिका में शरण ली, शेख लतीफा, ठीक है। वह राज्य जिसने सिगरेट सिगरेट की खुदरा बिक्री पर रोक लगाई, बिहार है। उद्यम सखी पोर्टल का संबंध है महिला उद्यमियों में प्रोत्साहन को लेके। सुविधा का संबंध है महिलाओं में सस्ती दर पर जो सैनिटरी नैपकिन होता है वो उपलब्ध कराना, 2.5 रुपए में एक। और सिक्योर हिमालय, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें कौन कौन से स्टेट हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, सॉरी सिक्किम, जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति कोविंद ने सबसे पहली यात्रा की थी जिबूती की। उच्च शिक्षा में कौशल विकास कार्यक्रम को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है, अभी पाकिस्तान। फिर हरियाणा ने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, मतलब हरियाणा को निलंबित कर दिया गया है। यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है US और इसराइल ने एंटी इसराइल पॉलिसी के खिलाफ। फिर WWE में जगह पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कविता देवी। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी जो सुरक्षित शहरों की सूची है उसके मुताबिक दुनिया का पहला सुरक्षित शहर है टोक्यो,
ठीक है, फिर WWE में शामिल की जाने वाली अरब की पहली महिला हैं शादिया बसीसो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये किसकी है? उत्तर प्रदेश की है ये। रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश है आपका सऊदी अरेबिया, उस रोबोट का नाम है सोफिया। राष्ट्रीय व्हील चेयर फेसिंग चैंपियनशिप ये कहाँ पे की गई? करनाल में। ठीक है, पर्सन ये पेटा पर्सन ऑफ द ईयर मिला है अनुष्का शर्मा को, और आपका भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है शुभांगी स्वरूप बरेली की है ये। 18वां अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? उदयपुर राजस्थान में। विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेजहलू पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है अपर्णा कुमार। तितली कंजर्वेटिव पार्क कहाँ पे है? गुड़गांव में है ये। ठीक है, ईस्ट इंडिया का पहला सीएनजी स्टेशन ये चालू हुआ है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क शक्ति स्थल ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा आप। ये सोलर पार्क लार्जेस्ट है कर्नाटक में, लेकिन सोलर पावर प्लांट कहाँ है? रीवा में, ये मैंने आपको बताया था ऊपर भी। ठीक है, फोर्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल होगा लखनऊ में 2018 में, और थर्ड वाला कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में। विश्व के जो चीफ जस्टिस है उनका 18वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। ठीक है, फिर ये भातभूत ये जो बांध परियोजना है इसका भरूच में गुजरात में किया गया स्टार्ट। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? दुबई में। देश का पहला गौ अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? मध्य प्रदेश में। फिर दिसंबर 2017 में समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका है ये जो आपका रिम ये पैसिफिक वाला जो होता है ये आपका ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका पहला समिट हुआ था आपका जकार्ता में, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में कितने? 29 सदस्य देश हैं, 6 एसोसिएट हैं। फिर ये वाला आप एक बार थोड़ा सा पढ़िए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ई रकम पोर्टल जो स्टार्ट है ये कृषि उत्पादों की बिक्री से रिलेटेड है। देश की पहली हेलीकॉप्टर कहाँ पे चालू की गई? बेंगलुरु में। 2019 को घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, INS कलवरी को कहा जाता है टाइगर शार्क, और विश्व का सबसे तेज जो कंप्यूटर है सनवेत एवॉइट, अभी आपको बताया था चाइना में है ये। ठीक है, नाटो का 29 सदस्य बना है मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, उसके बाद है चाबार बंदरगाह जो है उसके पहले चरण का उद्घाटन किया हसन रूहानी ने। विश्व की पहली ग्रीन सिटी कहाँ बनाई जा रही है? चाइना में। आर्कटिक एनर्जी शिखर सम्मेलन 2017 का ये कहाँ किया गया? हेलेंस्की फिनलैंड में। इसराइल के पहले पर्यावरण अनुसंधान सेटेलाइट का नाम है वीनस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार गुजरात और मध्य प्रदेश में। देखिए जो लोग को मतलब फ्री में जैसे करते हैं जो लोग, वीडियो आप देख लीजिए पूरा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लिया करिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप पढ़ना चाहें और नहीं पढ़ पाएं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैं इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम दे दे के कर रहा हूँ। अब इसमें मेन चीज़ बताता हूँ, और जो पेड़ वाले हैं उनको तो मिल ही जाएगा। देखिए चाइना को सॉरी चेन्नई को थर्ड इंडियन सिटी घोषित कर दिया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी की लिस्ट में, वाराणसी और जयपुर के बाद। हौसला सेवन क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया है, बाल अधिकार से संबंधित है। दीनदयाल स्पर्श योजना का स्टार्ट ये है, जो फिलाटेली करके एक हॉबी होती है डॉक टिकट को संग्रह करना। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में है। फिर देश की पहली पूर्णकालिक जो है महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है, इनसे पहले इंदिरा गांधी जी बनी थी लेकिन वो पार्ट टाइम थी। कैटलोनिया किससे रिलेटेड है? स्पेन से रिलेटेड है, ये सब मैं बता चुका हूँ। वैसे प्रोजेक्ट चमन किससे रिलेटेड है? बागबानी से रिलेटेड है। देखिए सहज बिजली जो योजना है ये ऑफिशियल एम है मार्च 2019 तक का, 16,320 करोड़ की योजना है। इसमें मेन पर्पज़ क्या है कि बिजली के कनेक्शन घर घर तक पहुँचाना, 4 करोड़ फैमिली में कवर करने की इसमें की गई है पूरी मुहिम है ये। इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर बना है 43rd, MTCR का बना था 35th, और वसेनार अरेंजमेंट का बना है 42nd। ठीक है, स्मार्ट सिटी में यूपी के 3 शहर आए बरेली मुरादाबाद और सहारनपुर। टुयुरियल ये जो डैम है ये किस में कहाँ पे है? ये मिजोरम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा एक बार इसको। ठीक है, ये बाकी आप एक बार पढ़िए इसको, जो मेन मेन है वो मैं पढ़ाता हूँ। वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को ईयर 2017 के शब्द के रूप में घोषित किया? यह है यूथ क्वैक। ठीक है, दर्पण परियोजना किससे रिलेटेड है? ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा रूरल जो आबादी है जहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं पहुँच पाई वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे ये। ठीक है, फिर आपका सुशासन पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? गुवाहाटी में। रन फॉर लॉर्डली हाफ मैराथन 2017 का ये आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला कराता है कौन? नेशनल बुक ट्रस्ट, और ये हुआ था न्यू दिल्ली में
इसमें थीम थी पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। मोरी बीन फेस्टिवल कहाँ कराया गया? अबू धाबी में। ब्लैक एंड व्हाइट कार्निवल कहाँ कराया गया? कोलंबिया में। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 मिला है विराट कोहली को। ये पूरे अवार्ड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुहाफिज योजना जम्मू कश्मीर की है ये योजना। मोबाइल जो है ऐप है उमंग, इसमें क्या है एक ही जगह पे आपको 13 भाषाओं में सभी सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया मैंने इसको। बाकी जिन लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी वो पढ़ ही लीजिएगा इसको, ठीक है। प्रकाश है तो विकास है शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। सूर्य आधार पर योजना शुरू की उत्तराखंड ने। फिर उजाला मित्र स्टार्ट की उत्तराखंड ने, ठीक है। फिर और भी पल्स पोलियो जो ये आपका शक्ति बटन ऐप है और गुड़िया हेल्पलाइन चालू की किसने? हिमाचल प्रदेश ने। युवा संगम वेबसाइट उत्तर प्रदेश ने की है। संपूर्ण योजना शुरू करने वाला है उड़ीसा। विश्व के पहले 3D मुद्रित कंक्रीट पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। फिर है भारत का पहला मॉलिकुलर ऑंकोलॉजी लैब जो है नई दिल्ली में है ये। श्री नरेंद्र मोदी रेजिलियंट लेबोरेटरी की स्थापना की गई फिलीपींस में। मुंह पर ताला अभियान स्टार्ट किया है मुंबई पुलिस और एक्सिस बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग के लिए। एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का किसको मिला है? न्यूटन को। फिर आपका है ये 7वें विश्व सैन्य खेलों का आयोजन हुआ है चाइना में। फिर उसके बाद है देश का पहला हथियार संग्रहालय की स्थापना जांदीपुर में की गई। दुग्ध गांव की स्थापना कहाँ पे की गई? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेंटर कहाँ स्टार्ट किया गया है? नागपुर में। सोशल ऑडिट पारित करने वाला देश का पहला राज्य मेघालय, ठीक है। उसके बाद है फिश पॉन्ड स्कीम जो स्टार्ट करने वाला राज्य है उड़ीसा। विटामिन ए अभियान स्टार्ट करने वाला राज्य है राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह कहाँ स्टार्ट किया गया है? मोहर कुंज में। उसके बाद आपका है ये एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा हूँ, ये सब मैं बता चुका हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। पहला अंतर्राष्ट्रीय बैलून महोत्सव कहाँ पे है? अरकू घाटी में। विश्व का पहला तैरता शहर कहाँ किया गया है? फ्रांस ने। आप देखिए ये मत कीजिएगा कि यार नहीं बताना था तो फिर दिखाई क्यों रहे हो, ये तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, ये तो हम मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लो ना यार। देखो जिसको यहाँ पे फायदा होता है वही यहाँ पे रहा करे। मुझे ऐसे फालतू के कमेंट सुनने में ना कोई मजा आता है ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार ये तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं। एक बंदे ने लिखा था मुझे कमेंट कि यार 7 घंटे की तुम्हारी वो है, 5 घंटे की वो है, 1-2 घंटे की है, तो 14 घंटे अगर हम पढ़ेंगे तो इससे बढ़िया मैगजीन ना पढ़ डालें। अरे तो पढ़ लो ना यार, किसी ने बोला है क्या तुमसे कि यहाँ पे करो? यहाँ पे आप लोग जब वीडियो देखते हो तो मुझे कुछ मिलता नहीं है उसका। इस पूरे वीडियो को अभी मैंने पूरे सुबह से लेके बनाया है अभी तक, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डिक्टेट कर रहा हूँ इसका। मुझे यूट्यूब में जो लोग फ्री में देखते हैं वो उनके लिए सही बात फ्री ही रहता है, मुझे उनका कुछ नहीं मिलता है। फिर भी मैं करता रहता हूँ कि चलो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाए। तो ये मतलब गिव एंड टेक होता है ना, लेकिन आप लोग की तरफ से हमेशा टेक एंड टेक होता है, गिव नहीं होता है कभी। तो कम से कम ऐसे कमेंट मत किया करो। वैसे तो मैं पेड ग्रुप के लिए बनाता हूँ ये पीडीएफ, उन्हीं के लिए मैं कर रहा था, लेकिन अब मुझे ये ऐसे ऐसे कमेंट देख के फिर मैं सोचता हूँ कि क्या फालतू में यार, ये फ्री की चीज़ों की एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं होती है ना, वो भी क्वालिटी कंटेंट की वैल्यू नहीं है। जो आप अर्जी फर्जी मैंने देखा है लोगों के वीडियो, मेरे वीडियो से ये भी कॉपी करके ये लोग बना देंगे कि ये है टॉप न्यूज़, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको हजारों लाखों लोग देख लेते हैं। तो इसीलिए वही बात है कि उतना ही करो लोगों के लिए जितना वो लोग डिजर्व करते हैं। फिर इंडिया की पहली एयर डिस्पेंसरी की स्थापना इम्फाल और शिलोंग में की गई है। बाली यात्रा कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा में। ये देखिए सरदार सरोवर बांध से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, नर्मदा नदी पे है ये। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा कहाँ कहाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। साइज की दृष्टि से वॉल्यूम वाइज मतलब अगर आप देखें तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। पहला वाला कौन सा है? मैंने बताया था इसको आपको, ठीक है। और सरदार पटेल ने चालू किया था 1945 में, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्टार्ट की थी मतलब फिर फाइनली स्टार्ट किया, और 1987 में स्टार्ट हुआ ये फाइनली जाके, नींव रखी फिर आरंभ हुआ। एक इसी के विरोध में मेधावाट करने आंदोलन चलाया था, नर्मदा जाओ आंदोलन। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होगा उसमें सबसे ज़्यादा मिलेगी मध्य प्रदेश को। मैंने एक दो चीज़ें और बताई थी, ड्रिंकिंग वाटर में सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा और इरीगेशन में सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा, ये आप बताइए। 48 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में चौथी 14वीं बार हुआ है, सब बता चुका हूँ मैं ये, ठीक है। मुख्य अतिथि शाहरुख खान थे और ये सब चीज़ें, 120 बीट पर मिनट, ये सब कुछ हो चुका है। 20th अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह हैदराबाद में 11वीं बार हुआ है, थीम थी न्यू इंडिया। फिर विश्व खाद्य भारत समारोह 3 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में हुआ है। 69th रिपब्लिक डे, इसमें आशियान के 10 कंट्री जो थे वो हमारे चीफ गेस्ट थे, और उसकी जो ट्रिक क्या थी, BPL MIM एस मिम्स TV, ठीक है। कई बार बता चुके हैं हम लोग, कई बार डिस्कस कर चुके हैं ये। फिर है आपका ये
ये देखिए ओडीएफ फ्री स्टेटस अभी जो है अरुणाचल प्रदेश, देखिए ओडीएफ फ्री एक तो है रूरल एरिया वाइज और एक है अर्बन एरिया वाइज। रूरल एरिया में जो आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसमें 6 हो चुके हैं। सबसे पहला था सिक्किम, फिर दूसरा था हिमाचल प्रदेश, तीसरा था केरला, चौथा उत्तराखंड, पांचवा है हरियाणा और छठा बना है अरुणाचल प्रदेश। ये है रूरल वाला। जो अर्बन एरिया वाला है वो कौन देख रही है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसमें अभी तक देखिए कितने बन चुके हैं, पहले गुजरात, आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ लास्ट ईयर डिक्लेयर किए गए थे, तो गुजरात पहला था इसमें, और फिर और 5 किए गए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड और हरियाणा। मतलब 9 जो एरिया हैं अर्बन एरिया वाले हो चुके हैं ओडीएफ फ्री स्टेट, और 5-6 हो चुके हैं आपके रूरल वाले में। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। इंडिया की पहली पॉड टैक्सी, ठीक है, यानी कि आपकी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट जो है वो कहाँ पे चालू हुई है? दिल्ली गुड़गांव कॉरिडोर में, गुड़गांव में हुई है चालू, मतलब गुरुग्राम मतलब जिसका नाम है। अब पेंसिल पोर्टल क्या है? ये आपका बाल श्रम समाप्त करने से रिलेटेड है, मतलब प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। फिर देखिए इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने ट्रैकोमा जो डिसीज़ है इसको बोल दिया है कि अब इंडिया पूरी तरह से, इंडिया से ये डिसीज़ एलिमिनेट हो चुकी है, और ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। इससे अलावा 5 और डिसीज़ हैं, मतलब टोटल 5 ये डिसीज़ हैं ये जो इंडिया से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुकी हैं। स्मॉल पॉक्स है, रिंडरपेस्ट है, पोलियो यॉज है, और आपका मेटरनल एंड नियोनेटल टिटनेस है। ठीक है, तो ये है पूरा आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर है। कम से कम इसको देख जरूर लेना एक बार जाने से पहले, आरओ के एग्जाम, और प्लस आपका जो ये अभी जैसे आरआरबी वाला, ग्रुप डी वाला आ रहा है, या जो भी एग्जाम है, पिछले 7-8 महीने के हैं ये टोटल मिला के ये करंट अफेयर। ठीक है, और जहाँ जहाँ मैंने बीच में नहीं बताया वहाँ वहाँ आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात यार, मुझे ऐसे कमेंट मत किया करो, जिसको देखना हो आप देखिए, नहीं देखना हो मत देखिए। मैं ना किसी को इनवाइट करने जाता हूँ और ना मैं किसी को रोकने जाता हूँ, तो जो भी देखेगा यहाँ पे वो मुझसे ये कुछ गेन ही कर लेगा। और कुछ लोगों को जैसे ऐसा लगता है ना कि वो मुझे सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान कर देते हैं, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे कोई रुपए और पैसे नहीं मिलता है कुछ भी, जिसको भी ऐसा लगता हो तो प्लीज़ आप कर दीजिएगा अनसब्सक्राइब, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता है कि क्या चीज़ मैं देता हूँ कंटेंट, और उससे एग्ज़ाम में कितना आता है। मेरा सिलेक्शन वैसे भी अर्जी फर्जी सब्सक्राइबर पे नहीं है, कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर हैं जो बोलते हैं कि अभी मैंने कुछ कमेंट अगर मैं कर दूं तो कहते हैं कि एकदम से रिस्पेक्ट थी वो गिर गई। भैया मत दो यार रिस्पेक्ट, हमें ऐसे फर्जी लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए भी नहीं। ठीक है, जो मेरी मर्जी होगी मैं काम वही करूंगा, और मैं ज़िंदगी अपने टर्म्स पर ही जीतता हूँ। तो ये मुझे ऐसी चीज़ें मत बताओ कि तुम्हारी रिस्पेक्ट कम हो गई तो यार क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा, मत करो रिस्पेक्ट यार, मत करो। वैसे भी देखो रिस्पेक्ट करने से कोई कुछ दे तो देता नहीं किसी को, बात समझ में आ रही है? और ये वाली बात ये है क्योंकि अभी मैंने कुछ ऐसे कमेंट पढ़े हैं कि फ्रस्ट्रेशन एकदम पीक लेवल पे है, कि मैं इतना कुछ करता हूँ और उसके बाद भी गाली खाता हूँ। ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि मैं खुद, अगर मुझे पता चल जाए ना तो मैं खुद उनको ब्लॉक कर दूँ, और मैं कर भी देता हूँ। तो ऐसी गाली गलौज और ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें मेरे से मत करा करो। जो लोग सही बात पढ़ाई से रिलेटेड हैं, सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है ये कंटेंट। जिसको देखना हो देखे, और कम से कम उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर जिसको ज़्यादा बुरा लगता है तो इसको डिसलाइक करके और अनसब्सक्राइब करके निकल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो लोगों मेरे पेड ग्रुप में हैं कम से कम उनके लिए तो काम करूंगा ही, आप लोग यहाँ पे रहो या ना रहो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और लेकिन ये बात जरूर है कि थोड़ा सा लाइक और व्यू मिलते हैं तो ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सबके लिए करना चाहिए, वरना फिर मैं भी अगर ऐसे ही पहनाने लगूँ तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं इंडिया में जो लोग आपसे पैसे भी ले लेते हैं पूरे और कंटेंट भी नहीं देते हैं। यहाँ तो साला मैं फ्री में दे रहा हूँ सब कुछ, मतलब वीडियो तो हमारे पूरे फ्री ही हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे टोपीबाज टाइप के जो आपसे 2,000 रुपये ले लेंगे, 2,000 लोगों से लिया है 2,000 रुपये, 40 लाख रुपये कलेक्ट करके कोचिंग खोल के बैठ गए हैं। कुछ अपने पेड मेंबर्स को छोड़ो, अपने मतलब फ्री वालों को छोड़ो, पेड वालों तक को कुछ नहीं दिया, 3 वीडियो दिए थे वो भी फ्री, वो भी मतलब 3 वीडियो दिए थे अभी तक टोटल 2,000 रुपये में। उन बेचारों की आरओ की तैयारी ख़राब हो गई है। मैं अपने पेड वालों के लिए तो करता ही हूँ कुछ, और मतलब जो हमारे फ्री वाले सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी बहुत कुछ करता हूँ मैं। इतनी ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता होगा, मैं पूरे दिन इसी में लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बस यही दिक्कत होती है कि फिर भी मैं गाली खाता हूँ। लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं ना कि एकदम मूड ख़राब हो जाता है, वो वाली बात होती है कि आप कि यार। अभी एक बंदे ने कमेंट किया था कि मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, नहीं चाहिए तुम्हारी पीटी, पर तो कर दो ना, मुझे बता क्यों रहे हो? मैंने बोला है क्या किसी से सब्सक्राइब करो? जिसको फ़ायदा होता है वही सब्सक्राइब करेगा ना। देखो मेन बात ये है कि ऐसा नहीं कि आप सब्सक्राइब करके मुझे कुछ दे देते हो या फिर मुझे कुछ उससे प्रॉफिट हो जाता है। सब्सक्राइबर और सब्सक्राइबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, व्यूज़ जो हैं वो मेरे वैसे ही तो नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे।
ठीक है, और बाकी जो मेरा एटीट्यूड है वो मैं नहीं बदलूंगा, जिसको अपने आप मुझे मत बदलो। मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपना शाउटिंग मत किया करो, मैं बिल्कुल करूंगा शाउटिंग और बीच बीच में एक्साइटेड भी होऊंगा मैं। मुझे बदलने की कोशिश मत करो, आपको बदलना है तो आप मेरा चैनल बदल दो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।